नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि आखिर आज के समय में इस समय में बेरोजगारी चरम सीमा पे क्यों है, इतना बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ने का रीजन क्या है, क्या दिक्कत आ गया जो कि देश में इतना बेरोजगारी है। इस चीजों के ऊपर में आज का जो वीडियो रहेगा वो इसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सिंपल से समझो, एक स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट 10th पास किया, 12th पास किया, बीए किया, बीएससी किया, ग्रेजुएशन पास किया है ना दोस्तों, उसके बाद वो क्या करेगा, 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद वो क्या करेगा, क्या 10th 12th ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगा, ये फिक्स है दोस्तों? लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंपटीशन में वो लग जाता है, उसको नौकरी कौन देगा, तो उसकी नौकरी चाहिए, नौकरी करने के लिए वो कंपटीशन करना शुरू कर देता है ताकि कंपटीशन फाइट करके वो अपना जॉब ले सके जिससे अपना रोजी रोटी और अपना पेट को चला सके। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि कंपटीशन इतना आबादी है, इतना बेरोजगारी है, उतना वैकेंसी निकलता है क्या, कोई भी साल उतना वैकेंसी निकलता है क्या, वैकेंसी थोड़ा मोड़ा निकला उसके बाद कैंसिल हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, कभी वैकेंसी आया तो वो जैसे तैसे एग्जाम हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो गया, बीच में ही रद्द हो गया, सबसे ज्यादा तो नौटंकी यही सब न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये एग्जाम हुआ इसके बाद ये कैंसिल हो गया। दोस्तों 10th 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपना पेट कैसे चलाएगा, वो कोई बच्चा नहीं सीखा है, सिर्फ और सिर्फ उससे उसके अंदर नॉलेज हुआ, उसका दिमाग बढ़ा है, लेकिन पेट को कैसे पालेगा, क्या स्किल उसके अंदर है जिससे अपना काम करके अपना घर परिवार को चला पाएगा, अपना पेट को चला पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन उसको नौकरी देगा, 10th 12th ग्रेजुएशन पास करने के बाद उसको नौकरी कौन देगा, नौकरी कोई नहीं देने वाला है। वैकेंसी जो आता है वो इलेक्शन आ गया तो कुछ थोड़ा बड़ा वैकेंसी आ गया तो वो भी वैकेंसी चला जाता है, इलेक्शन के बहाने कुछ वैकेंसी आ जाता है, वैकेंसी का तो कुछ आता ही पता नहीं रहता है, कंपटीशन का तैयारी आप करोगे तो वैकेंसी आएगा तब तो आप उसको फाइट करोगे, उसके बाद कितना करोगे, लाखों करोड़ों आबादी एक एक फॉर्म निकलता है तो उसको फिलअप करता है, कितना बच्चा का रोजगार होगा, जो निकलेगा वही उसी का ना नौकरी लगेगा। दोस्तों बेरोजगारी बढ़ने का मेन रीजन ये है कि आप 10th पास कर गए, आप 12th पास कर गए, आप ग्रेजुएशन कर लिए, ये करने से बेरोजगारी नहीं खत्म होगा, ये करने से आपका दिमाग में नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, लेकिन अपना पेट का भूख कैसे मिटाओगे इससे आप नहीं कर सकते हो। इसके सिवाय और आपके अंदर स्किल होना चाहिए और आपके अंदर हुनर होना चाहिए जिससे आप अपना कुछ रोजगार चालू करोगे या किसी के पास जाकर के काम करोगे। आज के टाइम में काम कौन देता है, काम उसी को मिलता है जिसके अंदर कोई स्किल है, जिसके अंदर कुछ हुनर है, जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस है, जो कुछ चीजों को जानता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आज के टाइम में स्टूडेंट लोगों को कुछ और चीजों को सीखना चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करो, लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करो, गाड़ी बनाने के लिए सीखो, वेल्डिंग करने के लिए सीखो, डोजर जेसीबी चलाने के लिए सीखो, जेसीबी बनाने के लिए सीखो। दोस्तों अब रोजगार लेने के लिए पढ़ करके और एग्जाम पास करके अब आपको रोजगार बहुत कम मिलेगा, क्योंकि रोजगार नौकरी का संख्या वो घटते जा रहा है। आप देख रहे होंगे, आपका दिमाग में है कि नौकरी का संख्या घटते जा रहा है, फिर भी आप उसी में लगे हो। अरे भाई उसमें लगे रहो, उसमें डटो, काम करो, लेकिन कुछ ऐसा भी ऑप्शन रख लो कि नहीं हुआ तो इधर हम अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बाहर जाकर के कमाना पड़ेगा और 10,000, 20,000, 15,000 में काम करना पड़ेगा और आपका जिंदगी बदतर हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी को संवारने के लिए दोस्तों पैसा चाहिए, पैसा। और पैसा कब आता पता है, जब आपके अंदर स्किल है और आप अपना कुछ धंधा चालू करते हो, अपना छोटा बिजनेस चालू करो, बिजनेस छोटा होगा लेकिन छोटा चालू करो, वहां से तू ग्रोथ कर सकता है, वहां से तू आगे बढ़ सकता है। नौकरी से तुम रोज का सब्जी बदल सकता है, आज भिंडी का सब्जी तो कल करेला का सब्जी, तो आज फलाना तो कल ढिकाना, ये कर सकता है। नौकरी तेरा गरीबी को मिटा सकता है लेकिन तुमको अमीर नहीं बना सकता है। अमीर बनना है, ज्यादा
तरक्की करना है, लोगों को आगे बढ़ना है तो धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, बहुत बड़ा एक्टर है लेकिन फिर भी तेल बेचता है, आज भी वो एड के लिए काम करता है, मतलब बेचने का काम करता है। तो आप बिजनेस करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, अब आप क्या करोगे सोचो, कहां नौकरी लोगे, किसके आधार पे नौकरी लोगे? क्या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेने से और पूरा कंप्लीट कर देने से नौकरी मिल जाएगा क्या? नौकरी आपको तभी मिलेगा जब आपके हाथ में कुछ स्किल है, कुछ हुनर है इस हाथ में, यही हाथ आपको नौकरी दिलाएगा और यही हाथ में आपको हुनर होना चाहिए। चलो आप खूब पढ़ लिए, निकल गया एक साल में 1,00,000 वैकेंसी, क्या इंडिया में 1,00,000 बच्चे हैं? सबको तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, वो कैसे अपना जीवन को आपन करेगा, वो कैसे अपने जिंदगी को चलाएगा, अपने घर परिवार का पेट को कैसे पालेगा, अपना पेट को कैसे पालेगा? उसके लिए बाबू पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखने का प्रयास करो। गाड़ी बनाने के लिए सीखो, जेसीबी चलाने के लिए सीखो, गाड़ी चलाने के लिए सीखो, एसी बनाने के लिए सीखो, फ्रिज बनाने के लिए सीखो, पंखा बनाने के लिए सीखो, हाउस वायरिंग का काम सीखो। हाउस वायरिंग का काम कितना बड़ा पता है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट चलता है, एक ठेकेदार महीने का कितना कमाता है, लाखों लाख रुपए कमाता है। वो लाखों लाख रुपए एक ही दिन में नहीं कमाया, वो 5 साल 6 साल पूरा इस फील्ड में घिसाया अपने आप को तपाया है, तब जाकर के आज कमा रहा है। तो दोस्तों कुछ सीखना चालू करो, पढ़ाई कर रहे हो आप पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ में साइड में कुछ हुनर भी अपने अंदर डालो। आज के लिए, आज के टाइम में, आज के जनरेशन को ये बहुत जरूरी है, और ये जरूरी है दोस्तों, ये आज नहीं तो कल हमारे बात को याद करोगे, लेकिन जरूर याद करोगे। अब ध्यान रखना, 10th पास कर जाने से, 12th पास कर जाने से, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाने से आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगा, ये गारंटी बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके अंदर हुनर है ना तो आपको फिक्स गारंटी की नौकरी नहीं होगा, तो इसके बल पे अपना रोजी रोटी कर सकते हैं और हम अपना धंधा चालू कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं। पढ़ाई के साथ कुछ ऐसा काम को सीखो, कुछ ऐसा स्किल सीखो जो आपको नौकरी नहीं मिलने के बाद भी आप दुनिया में टिक सकते हो, अपने सीना उठा करके आप कमा सकते हो, कुछ कमाने, कुछ पेट भरने का भी नॉलेज को गेन करो, पेट भरने का नॉलेज को गेन करो, तभी आप घर परिवार को चला सकते हो। 10th 12th पास कर जाने से आपको नौकरी मिलना ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी क्लासेस कर रहे हो, तो उसके साथ में कुछ अपने अंदर हुनर सीखो, कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप करो। जितना जल्दी आप स्किल डेवलप करोगे उतना जल्दी तो काम चालू करोगे, क्या आप सीखे एक ही दिन में हीरो बन जाएंगे क्या? उसमें भी आपको समय लगेगा ना, तो समय रहते आप सीखोगे तब तो, समय चल गया बीत गया उसके बाद सीखोगे तो उसमें आपको ज्यादा कष्ट होगा, अभी कष्ट कम होगा, लेकिन जितना लेट कर रहे हो ना उतना दर्द बढ़ेगा, वो बाद में पता चलेगा जब समय निकल जाता है। बच्चे लोग हमारे पास आते 30 साल का 35 साल का सीखने के लिए, उसका दर्द ऐसा होता ना वो वही जानता है। इसीलिए कुछ सीखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सीखना चालू करो। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट में मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिशियन के सारे कोर्स कराए जाते हैं। ये सब कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि हम सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ अपना रोजगार चालू करना चाहते हैं, करना चाहते हो तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में आगे सीख सकते हो। हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, हमारा मेन मोटिव है कि आप सीखने के लिए आए हो, जब तक आप परफेक्ट सीख नहीं जाते हो हम आपको भेजते नहीं है, आपका हर डाउट को कंप्लीट कराने का हम पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों आप किस टॉपिक में और वीडियो देखना पसंद करते हैं जरूर कमेंट करें। दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही प्रेम पूर्वक देखते हैं ना, इसलिए आप सभी को नमस्कार, शुक्रिया दोस्तों।